Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram, teaching you accountancy of class 11th. Student, we are discussing the very first chapter of class 11, that is introduction to accounting. So now let's move to our next topic from this very chapter. And the topic is, that is systems of accounting. So far we have seen the objective, the definitions, the characteristics and so many things regarding the accounting. Now here it is. सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका सिस्टम क्या है, हम कौन कौन से सिस्टम्स को फॉलो करते हैं. सो बेसिकली द सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. जो हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग को जो फॉलो करते हैं वो हमारे पास दो मेथड है. जो पहला मेथड है उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम एंड अनदर इज सिंगल एंट्री सिस्टम. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इज डिटेल. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग है जिसमें हम अकाउंटिंग के बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. अ ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग a transaction, it is recorded once on the debit side and again on the credit side. जब भी हमारे कोई transaction होते हैं, that is a financial transaction, उसको हम record करते हैं एक debit side और एक हम record करते हैं credit side. So ये हमारा basically है double entry system of recording. For example, at the time of cash purchase, just take an example कि हमने कोई वस्तु purchase किया cash देकर के. For example, at the time of cash purchases, goods are received and in return cash is paid. जब हम कोई वस्तु purchase करते हैं तो वो वस्तु मेरे पास आया और against that हमने cash pay किया. So वस्तु हमारे पास आया और हमारे पास से cash गया. In the transaction two aspects are involved, that is receiving goods, हमने goods received किया and paying cash, और हमने क्या किया, cash paid किया. And under the double entry system both these aspects are recorded, और हम अपने double entry system में ये दोनों aspects को record करते हैं कि हमारे पास वस्तु आया और हमारे पास से cash गया. So these two aspects of these very transactions are recorded. ये है हमारा double entry system. One part, that is the receipt of goods, is debited and the second part, that is payment of cash, is credited. जो हमारा first part देखें, debit, जो वस्तु आया हमारे पास उसे हमने डेबिट किया. कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आगे के फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेबिट, जो भी वस्तु आया उसे हमने डेबिट किया और जो हमारे पास से गया उसे हमने क्रेडिट किया. सो इन अदर वर्ड्स, इफ ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड एज इन परचेज, जो भी हमने देखा ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, वन अकाउंट बिल्डिंग इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट कैश इज क्रेडिटेड फॉर द सेम अमाउंट. यानी कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें केवल दो अकाउंट अफेक्टेड हैं, तो उसमें हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो वो वस्तु मेरे पास आएगा और हमने उसका पेमेंट किया है तो हमारे पास से कैश जाएगा. इफ मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन, यदि किसी ट्रांजेक्शन में दो से अधिक अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, द सम ऑफ द डेबिट एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट एंट्रीज. जब किसी ट्रांजेक्शन में हमारे दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन अफेक्टेड होते हैं, उस कंडीशन में जो डेबिट के जो सम होंगे, यानी कि डेबिट के जो हम टोटल करेंगे अमाउंट को, वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के अमाउंट से. दस ऑन एनी डे टोटल अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड. सो किसी भी दिन जब एट द एंड ऑफ द डे अगर हम जब टोटलिंग करेंगे तो जो हमारा डेबिट कॉलम होगा वो इक्वल होना चाहिए हमारे क्रेडिट कॉलम से. ये बोलता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम. Thus we can define double entry system as the system which recognizes and records both aspects of transaction. Both aspects of transaction, it means debit and credit aspects. The double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, दैट इज द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. क्या होती है इसकी खासियत. नंबर फर्स्ट, इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है वो हर ट्रांजेक्शन का, एवरी ट्रांजेक्शन का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है.
it recognizes twofold aspect of every transaction, that is the aspect of receiving and the aspect of giving. ये two aspect देखता है कि क्या value आया और क्या value गया. In this system, one aspect is debited, एक debit होता है, and the other aspect is credited following the rules of debit and credit. जो debit और credit के जो rules होते हैं, उस rules को follow करके हम एक aspect को debit करते हैं और second दूसरे aspect को हम credit करते हैं. Since one aspect of a transaction is debited and the other is credited, the total of debit is always equal to total of all credits. क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं रूल्स को वो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई जब हम टोटलिंग करते हैं तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है. इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंसेस. और ये हमें जब ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम आगे के फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को यानी कि उसके अमाउंट को बराबर करने में ये हमें सहायता करता है डबल एंट्री सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. जो स्टेजेस है इसकी क्या प्रक्रिया, कैसे ये बनता है. सो अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज फॉलोइंग थ्री स्टेजेस. क्या क्या है? फर्स्ट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो प्राइमरी बुक होता है उसे हम जर्नल बोलते हैं. देन आफ्टर क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल बाय posting them to the appropriate ledger accounts and then preparing the trial balance. Then after जब हम उसे record करते हैं, फिर उसे हम classify करते हैं. classify already हमने discuss कर रखा है. it means categorize करना as per a particular nature, किसी खास प्रकृति के basis पे हम क्या करते हैं, उसे classify करते हैं, categorize करते हैं, और फिर उसे हम trial balance prepare करते हैं. and closing the books and preparing the final accounts. और फिर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और अपना हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ऑल दीज स्टेजेस शैल बी डिस्कस्ड वन बाय वन सक्सीडिंग चैप्टर्स. आने वाले चैप्टर्स में हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फर्स्ट इज साइंटिफिक सिस्टम. ये जो हम डबल एंट्री सिस्टम है, इसे हम एक साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं. क्यों? बिकॉज इसमें जो भी aspects होते हैं वो clearly mentions होते हैं. debit और credit aspects, both aspects are clearly mentioned. हर transactions का record proper होता है. double entry system is a scientific system of recording business transactions. as compared to other systems of bookkeeping, it helps attain the objectives of accounting. यह हमें objectives of accounting को fulfill करने में मदद करता है. next is complete record of transactions. under the system, both sides of the transactions are recorded. It is a complete record as it results in showing correct income or loss, assets and liabilities. क्योंकि ये एक सही पैटर्न को हम फॉलो करके बनाते हैं, तो इसे हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम ये पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लाइबिलिटीज कितने हैं. ये सारा जानकारी हमें मिलता है जब हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड. By the use of this system, arithmetical accuracy of the accounting work can be established through the trial balance. जब हम trial balance prepare करते हैं, तो वहाँ पे हमारा arithmetical accuracy पता चल जाता है. Now the determining profit or loss, profit earned or loss incurred during a period can be determined by preparing profit and loss account. जब हम profit and loss account prepare करते हैं, उसे हमें ये पता चल जाता है कि at the end of the financial year हमारे organization को profit हुआ है या loss incurred हुआ है. Knowledge of financial position. By drawing a balance sheet. Balance sheet जब हम draw करते हैं तो हमें अपने institution का, हमें अपने organization का financial position पता चलता है. Financial position of the firm or the institution can be ascertained at the end of each period by preparing the balance sheet. जब हम balance sheet prepare करते हैं तो हमें अपने financial institution का, organization का financial position पता चलता है. Now the next is comparative study is possible. Results of one year may be compared with those of previous years and reasons for the change may be ascertained. जो हमारा records होते हैं, financial records होते हैं, उसके basis पे हम क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं regarding the performance of our organization. और उससे related जो भी decisions होने चाहिए वो decisions भी हम ले सकते हैं, जिससे हमारे organization को betterment हो. Health management in decision making. Once again, management may be able to obtain good information for its work, especially in making decisions. जो भी accounting information होते हैं, उस information से management को help मिलता है कि वो एक अच्छा decisions ले सके जो कि organization के लिए अच्छा हो. Now the next is
detection of frauds and misappropriation. Frauds and misappropriations are minimized since complete information about all assets and liabilities is available. जो फ्रॉड होंगे या misappropriations हो सकते हैं, गलती हो सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं. क्यों? Because हम dual aspects maintain करते हैं, debit and credit. So यहाँ पे जो फ्रॉड होना है या जो गलती होने की जो बात होती है वो बहुत कम होता है, बहुत error कम होने के chances होते हैं. It is because of these advantages that the double interest system is used extensively in all countries. क्योंकि ये बहुत reliable होता है, ये accurate होता है, इसीलिए most of the countries uses double interest system of accounting. Now next is that is the accounts from incomplete records, जिसे हम single entry system भी बोलते हैं. Accounts from incomplete records or single entry system of recording transactions in the books of account may be defined as an incomplete double entry system. जो हम single entry system बोलते हैं उसे हम बोल सकते हैं कि ये incomplete records of double entry system है, क्योंकि इसमें हम dual aspects नहीं record करते हैं. In this system, all transactions are not recorded on double entry basis. In some transactions, both aspects of the transactions are recorded, while in others, either one aspect is recorded or not recorded at all. किसी किसी transaction में हम both aspects को record करते हैं, किसी किसी में केवल single, या ये भी होता है कि उस transactions को हम record ही नहीं करते हैं. So ये है हमारा single entry system. Instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash book are maintained under this system. जब हम single entry system of accounting को follow करते हैं तो इसमें हम सारे accounts के अलग अलग heads नहीं बनाते हैं, इसमें हम personal account और cash account को ही basis लेकर के चलते हैं और इसी को हम maintain करते हैं. The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. इसमें जो होते हैं इसको हम basically इसमें हम personal accounts और cash account को लेकर के चलते हैं, cash basis पे लेकर चलते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा reliable नहीं होता है, ज़्यादा accurate नहीं होता है. Since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, it is not possible to prepare a trial balance. जब हम single entry system follow करते हैं तो उसमें हम trial balance नहीं बना सकते हैं. A trial balance, as a result, the profit and loss account and the balance sheet cannot be prepared. और इस वजह से हम जब trial balance नहीं बना सकते हैं तो हम अपना profit and loss account भी नहीं बना सकते हैं और फिर हम अपना balance sheet भी नहीं prepare कर सकते हैं. So that's all for today, student. This is the last session of the very first chapter, that is introduction to accounting. Next, we are going to discuss in the next session, that is our chapter number 2, that will be the basic concepts of accounting. Thank you.